महामती अजय प्रताप सिंह इन कंचनियों को शाही खजाने से 500-500 रुपए एक साड़ी देकर यहां से रुखसत किया जाए। सिपाहियों सम्राट का कहना है कंचनियों को महाराज तक शाही खजाने से इनका उचित इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। और हाँ, दरबार चलाकर रेनवास तक इन्हें बाइज्जत छोड़कर आओ। क्योंकि हुक्म जो है वो शहंशाह का हुक्म है। वसूली की जाए। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज को आरजा और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन को रुखसत हो जाइए। आपसे अपनी प्रजा के विषय में कुछ जानना चाहता हूं। पूछिए राजा, क्या मुफ्ती अजय तुमसे क्या जानना चाहते हैं? तो सुनिए हम क्या जानना चाहते हैं। और मुफ्ती जी बतलाइए, खबर मिली क्या बतलाइए, खबर मिली क्या और प्रजा में किस तरह की उठती है कि किसी को कोई तकलीफ है, हम ये जानना चाहते हैं। तो सुनिए सम्राट, आज मैं अपने विचार से निकल गए आपके इस संकल्प राज का समाधान जरूर बताऊंगा। जानना चाहते हैं। सुनिए राजन, जाती है किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। सम्राट शाबाश शेर, आपसे ऐसी उम्मीद रखता हूं। आसन ग्रहण करो सेनापति जी, मैं सेना के विषय में आपसे कुछ जानना चाहता हूं। महाराज कहिए मेरे शेर, आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना में कितने नौजवान हैं, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं और कितने रब्बे हैं? हाँ महाराज कहिए। 1,35,000 पैदल सेना तैयार है। 1,35,000 पैदल सेना तैयार है, 80,000 से कम नहीं घोड़ों के सवार, हाथी और रब्बा की संख्या राजन कई हजार है। बुलंद है हौसले इन जवानों के, खींच रहे तलवार। क्या बात मेरे से राजन, कहिए देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी शान है, प्राण निछावर कर देना वर्दी की ये पहचान। क्या बात मेरे से आपकी से न तैयार है इस घड़ी, हाथी घोड़े व पैदल सभी देश में। देखते देखते ही वो मिट जाएगा महाराज, देखते देखते ही वो मिट जाएगा। लेके चढ़ जाओ सेना को किस देश में, देखते देखते ही वो मिट जाएगा। लेके चढ़ जाओ सेना को किस देश में, महाराज आपकी सेना ये इंतजार करती है कि आपका हुक्म मिले और हम किसी राज्य पर चढ़ाई करते राजा। नहीं नहीं, किसी भी कसूर का प्रयोग नहीं होना चाहिए और आप जैसे बहादुरों पे ये शंकरगढ़ नाच करता है। क्या आवाज मेरे से संग्रह करो। आज का हम दरबार यही समाप्त करते हैं। दरबार अभी खत्म नहीं होगा राजन, क्योंकि अभी अभी मैंने जो आपसे कहा है वो झूठ था। सत्य तो यह है जो मैं बताने जा रहा हूं। मेरे दानवीर सम्राट शंकरगढ़ में जब हम जाते हैं तो यहां के बूढ़े बच्चे जवान, मैं हर शख्स के मुंह से यही सुनता हूं कि महाराज तक का तुगबला के मगर जुबान में लगाम दो, ऐसे शब्द कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। सेना पद विजय, हाँ बोलो, ये हम नहीं, ये जो शंकरगढ़ राज के महाराज की प्रजा है। अरे हम ही नहीं, हमारे साथ में जो कर्मचारी गए थे, आपको अगर विश्वास नहीं तो उनको बुला के पूछ लो। जाओ भाई इधर आओ। मंत्री अजय सिंह जो बात कर रहे हैं ये सत्य है। लंबरदार वैसे हम झूठ तो बोलित नहीं ना भाई। जो अपने राज दरबार के मंत्री जी हैं ये जनता के आगे आगे जा रहे थे और कुछ वही जनता में बरबरवा होत रहे, लेकिन हम समझ नहीं पावा लंबरदार जनता का कहा का नहीं कहा। लंबरदार आगे आगे रहे, यानी वो शब्द केवल मंत्रीवर ने ही सुना है और तुमने नहीं सुना। अच्छा शंकरगढ़ में जब हम और आप प्रजा की देखरेख करने के लिए गए थे तो कैसी आवाज उठती थी, अरे सेनापति विजय सिंह को बताओ। वो बात कहने लायक नहीं। महाराज, हम जब प्रजा की तरफ जाते हैं तो आपकी प्रजा के मुंह से यही निकलता है कि महाराज अबलाव के लुटेरे हैं। सुन लिया सेनापति विजय सिंह, हम झूठ बोल सकते हैं, दरबार का और कोई कर्मचारी नहीं बोल सकता। लेकिन सेनापति विजय सिंह इस बात को कतई मान नहीं सकता। सेनापति विजय सिंह और कुछ समझ में आता है, सेनापति कौन ऐसा बसर मेरे दरबार में, सारी रैयत मुझे कहती महाराज। कहिए सेनापति, अब क्या करें? मंत्री भी बता रहे हैं और रामबली भी बता रहे हैं कि प्रजा आपकी बालाओं की इज्जत का लुटेरा ठहरा रही है राजा जी। हाँ, लेकिन ये मेरा दिल कतई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप बालाओं की इज्जत के लुटेरे हैं। आप सत्य कह रहे हैं राजन। कहिए। मेरा कहना है कि अगर जो कोई गलत करेगा वो परिणाम उसके सामने अवश्य आएगा। राजन, सत्य कह रहे हो आप। एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो राजन? जाओ सरहद पे सेनापति घड़ी, जाओ सरहद पे सेनापति सी घड़ी, दुश्मनों का मिटा भारत है। मुल्क की आन तुम और मुल्क की शान तुम, और कोई न महाराज। राजन, कहिए। मैं तो सीमा सरहद पे जा ही रहा हूं, लेकिन हमारा कहना है आपसे कुछ। कहिए। क्या आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए महाराज जी, उसकी करनी का फल उसको मिल जाएगा। देखना एक दिन महाराज जी, हाथ में तो अदम की महाराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय। ठीक है महाराज, कहिए। अब मैं अपने सीमा सरह पर जा रहा हूं राजन, हमारे हुक्म की ताबील की जाए। हम आज का राज दरबार यही समाप्त करते हैं। दरबार का मेन गेट बंद किया जाए। जय राजन का सिपाहियों, जय हजूर। महाराज का कहना है आज का दरबार यही तक खत्म होता है। दरबार का मेन गेट जो है वो बंद कर दिया जाए। महाराज ने पहले मंत्री अजय सिंह से पूछा। हाँ, मंत्री अजय सिंह ये बताइए कि प्रजा के क्या समाचार हैं। है। मंत्री जी ने प्रजा के समाचार बताए। उसके बाद सेनापति जी से कहा, सेनापति जी आप अपने सीमा सरहद की समाचार बताइए। हाँ भाई सेनापति जी बताएं। लेकिन गड़बड़ी तो कुछ पैदा हो गए। गड़बड़ी पैदा हो गए ना। गड़बड़ी तो यह पैदा है कि मंत्री ने कहा है कि महाराज अबलाओं की लुटेरा कहती। लेकिन यार वही बीच में हम आए गए। हाँ यार, हमहू कह दिन सही आए। हाँ, लेकिन महाराज का तय हमका को अबलाओ के लुटेरा हमारे सामने कहा नहीं यार। यह तो अपनी अपनी जगह लगे। अपने मंत्री जी आएंगे, खुद ही कुछ बताएंगे। क्यों नहीं? सब कुछ सुन लिया। महाराज को बदनाम करने वाला इस शंकरगढ़ में और कोई नहीं। वो आप लोगों के सामने ये मंत्री अजय सिंह है। ये मंत्री अजय सिंह है। कहो एक बात बताओ यार कि आप महाराज का किस लिए बदनाम करते हो, तो जानना चाहते हो? यस जी। भाई महाराज का बदनाम किस लिए आप करते हो, हम लोग तो यही जानना चाहिए। और आज तैया प्रजा में जनता में घूम कर देखी थे, आज तय महाराज का कोई तो नहीं कहा। आप किस लिए बदनाम करते हो? आए? तो तुमने आज तक शंकरगढ़ में किसी के मुख से सुना नहीं? बिल्कुल नहीं। अबे तो दरबार में जाकर क्यों कह दिया तूने? बात तुहरे ऊपर सब बात रही। कुल मिला के तुहार मुँह देखे ने तो कह दी। तुम काम के आदमी हो। अरे ये काला चतुर मर्द, इसने दरबार में दरबार में कहता है जनता की मोदी जी जा रहे थे। कोई नेता है जो वोट मांगने जा रहे हैं? कौनो मंत्री जी कौनो नेता ही? तो तुम कान के बहिरे थे। मैं जो कहूँगा शंकरगढ़ में वो होगा। मंत्री जी कौनो इंटी चेपा ही, मंत्री जी कौनो फीता। का कुत्ता पालो दफा हिंद की इतनी गोली लिखूंगा सीने पे, डॉक्टर भी इलाज करने से इनकार कर देगा। अब 2.5 क्विंटल का यहू गला तोरा तुम जानना चाहते हो जी मालिक कि महाराज का बदनाम करने वाला कौन है? हम है या शंकरगढ़ में कोई है? मालिक हम लोध जाना चाहे। मालिक हम लोध जाना चाही थे कि आप किस लिए महाराज को बदनाम करते हो। हम लोग सुनो रामबली जी, आज से 18 साल पहले की कहानी है। जब महाराज शंकर सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे, इनके पिता ठाकुर अमर बहादुर सिंह थे। बहादुर सिंह वो एक बार जंगल में शिकार खेलने उलझ गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? जंगल के चारों तरफ अपने घोड़ों को दौड़ाया, परंतु कोई शिकार नजर नहीं आया। महाराज शिकार न पाने पे उनके इतनी प्यास लगी कि वो प्यास से व्याकुल हो गए। जब प्यास से व्याकुल हो गए तो महाराज अपने घोड़े से नीचे गिर पड़े। मतलब वही बेहोशी में बेहोश हो गए, पानी के बेहोशी में। जब महाराज बेहोश हो गए तो उसी जंगल में हमारी माँ लकड़ी तोड़ती थी। अम्मा तुम्हारी वही जंगल में लकड़ी तूरे गई रही। साले खाल में खाल निकालोगे ना तो मारूंगा। नहीं समझ पाए साहब।